नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। देखिए, एसएससी जीडी के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके सेट्स हम देख लेंगे। इससे पहले दोस्तों, वीडियो का दो पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। ये सेट थ्री है, इसमें हम सेट थ्री के क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही ध्यान से क्लास को देखिएगा, सेशन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर नए हो अनऑफिशियल एस्पिरेंट्स को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ऐसे मज़ेदार कॉन्टेंट हर रोज़ देखने के लिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द लीडर ऑफ मुंडा रेबेलियन वॉज। दोस्तों, मुंडा रेबेलियन का लीडर कौन थे? शिधो बिरसा, बापत या कोरामल्या? तो दोस्तों, आंसर हमारा बिरसा हो जाएगा। बिरसा मुंडा मुंडा रेबेलियन के लीडर थे। आगे देखते चलिए, द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप इन इंडिया। इंडिया का पहला जूट मिल किस साल इस्टेब्लिश हुआ था? 1920, 1855, 1800 या 1755? दोस्तों, सही आंसर इसका हो जाएगा 1855। आगे देखते चलिए, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी। दोस्तों, थियोसोफिकल सोसाइटी किसने फाउंड किया था? हेनरी डिरोजियो, एनी बेसेंट, सिस्टर निवेदिता या मैडम एच पी ब्लेवेटस्की? तो उसका आंसर हमारा मैडम एच पी ब्लेवेटस्की हो जाएगा। आगे देखते चलिए, हु फाउंडेड इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन। दोस्तों, इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन किसने फाउंड किया था? राजा राममोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? आंसर हमारा केशव चंद्र सेन हो जाएगा। आगे देखते चलिए दोस्तों, मैं आपसे बहुत ही एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर डेली बेसिस पर क्विजेज देना चाहते हो, तो फिर जल्दी से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर डेली क्विजेज होता है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम क्विज ग्रुप का, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हेन वाज इंडियन एसोसिएशन एस्टेब्लिश। दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन किस साल एस्टेब्लिश किया गया था? 1889, 1876, 1880 या 1881? तो दोस्तों, आंसर हमारा हो जाएगा 1876। आगे देखते चलिए, इन विच ईयर द रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज वॉज टेकन बाई कांग्रेस। दोस्तों, पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन कांग्रेस द्वारा किस साल लिया गया था? 1928, 29, 30 या 31? आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा 1929। आगे देखते चलिए, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवाई या बदरुद्दीन तायब जी? तो उसका आंसर हमारा बदरुद्दीन तायब जी हो जाएगा। आगे देखते चलिए, वी शैल मेक द सेटल्ड फैक्ट अनसेटल्ड। ये उक्ति दोस्तों किसने किया था? लॉर्ड कार्जन, एस एन बनर्जी, महात्मा गांधी या बीजी तिलक? आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा एस एन बनर्जी। आगे देखते चलिए, नेम द रेवोल्यूशनरी हु अटैक्ड राइटर्स बिल्डिंग। दोस्तों, राइटर्स बिल्डिंग को अटैक करने वाले रेवोल्यूशनरी कौन थे इनमें से? आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा बिनॉय बसु। आगे देखते चलिए, द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वॉज गिवन बाय। दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मोहम्मद इकबाल या लाला लाजपत राय? आंसर दोस्तों इसका भगत सिंह हो जाएगा। आगे देखते चलिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? बिंबिस, महापद्मानंद, अजत शत्रु या धनानंद? आंसर हमारा महापद्मानंद हो जाएगा। आगे देखते चलिए, एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ड्यूरिंग द सतवाहनों वॉज। दोस्तों, सतवाहनों के टाइम पर एक इंपॉर्टेंट पोर्ट इनमें से कौन था? सोपारा, ताम्रलिप्ता, कालीकट या कोचीन? आंसर हमारा सोपारा हो जाएगा। आगे देखते चलिए, हु वॉज नोन एज लिच्छवी दोहित्र। दोस्तों, इनमें से किसको लिच्छवी दोहित्र नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? दोस्तों, आंसर हमारा हो जाएगा इसका समुद्रगुप्त। आगे देखते चलिए, विच मगध रूलर वॉज नोन एज सेनिया। दोस्तों, सेनिया नाम किस मगध रूलर को दिया गया था? बिंबिसरा, अजातशत्रु, महापद्मानंद या चंद्रगुप्त मौर्य? आंसर हमारा बिंबिसरा हो जाएगा। आगे देखते चलिए, हु हैड फर्स्ट डिसिपर्ड द एडिक्ट्स ऑफ अशोका। दोस्तों, अशोका के एडिक्ट्स को सबसे पहले किसने पाठ किया था या डिसिफर किया था? आंसर दोस्तों इसका जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। आगे देखते चलिए, हु इंट्रोड्यूस्ड कॉलिनिया इन बंगाल। दोस्तों, बंगाल में कॉलिनिया किसने चालू किया था? गोपाला, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन या धर्मपाला? दोस्तों, आंसर हमारा बल्लाल सेन हो जाएगा। मैं दोस्तों यहाँ पर आपसे फिर से कह देना चाहता हूँ कि अगर डेली बेसिस पर आपको क्विजेस देने हो, हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम क्विज ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते चलिए, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड रैशनिंग सिस्टम। दोस्तों, रैशनिंग सिस्टम किसने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इब्राहिम लोदी? आंसर हमारा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। आगे देखते चलिए, ड्यूरिंग हुज रेन इबन बतूता केम टू इंडिया। दोस्तों, इबन बतूता किसके शासनकाल में इंडिया आए थे? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी? आंसर हमारा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते दोस्तों, हु वॉज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। दोस्तों, दिल्ली सुल्तानेट के फाउंडर कौन थे? मोहम्मद घुरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या गियासुद्दीन ऐबक?
दोस्तों आंसर हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हु वॉज नोन एज सिकंदर ईशानी। दोस्तों सिकंदर ईशानी नाम से जाने वाले इनमें से कौन है, बलबन अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या सिकंदर खान। दोस्तों आंसर हमारा हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों आज का सेट यही तक था, 20 क्वेश्चन हमने किया। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 20 क्वेश्चन थे। अगर क्वेश्चंस और ये वीडियो आपको पसंद आया तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और दोस्तों अगर कुछ भी कहना हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हो। अनऑफिशियल एक्सपीरियंस को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।